गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। हिंदी फर्स्ट से लेसन 7 पढ़ाऊंगी। लेसन का नाम है ईमानदार नन्हे। यह कहानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विषय में बताई गई है। शास्त्री जी के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का इसमें वर्णन किया गया है और जिस समय की ये घटना है उस समय उनकी उम्र 5 से 6 साल के बीच थी। तो पाठ में शुरू करती हूँ। 6-7 वर्ष का एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उसे नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक बाग था। शास्त्री जी के बचपन का नाम बच्चों नन्हे था। बच्चों का मन हुआ क्यों ना बाग में जाकर आम तोड़कर खाया जाए। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नज़र बचाकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नज़र बचाकर बच्चों मतलब ये है कि माली उन्हें देख ना ले, क्योंकि बच्चे जो है वो माली से छिप करके आम तोड़ रहे थे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह क्या करे। बालक एक साथी ने उसे उकसाया, लेकिन जब नन्हे चुपचाप बगल में खड़ा था पास में, तभी उसके साथी ने उसे उकसाया, यानी कि उसे कहा, जोर दिया उसके ऊपर, कहा कि मतलब अरे तुम बुत बना क्या क्यों खड़े हो। नन्हे उसने कहा अरे तुम मतलब इस तरह मूरत की तरह से तुम नन्हे क्यों खड़े हो, आ जा, मतलब कि पास में तुम भी आ जाओ और 2-4 आम तू भी तोड़ ले। उसने कहा कि तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ और कुछ आम तुम भी तोड़ लो। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि नन्हे एक ईमानदार बालक था, इसलिए इस तरह से चोरी करके आम तोड़ने में नन्हे का मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नज़र पड़ी। किसकी नज़र पड़ी बच्चों? बालक नन्हे की नज़र पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उसे जैसे खुद ही अपने ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ दिया। अपने पास बुलाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि फूल इतना आकर्षक था, इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद से आमंत्रित कर रहा था उस नन्हे को कि मुझे तोड़ लो। और नन्हे ने ऐसा ही किया। नन्हे ने फूल को तोड़ लिया। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहाँ आ पहुँचा। फटकारता हुआ मतलब डंडे को ऐसे ज़मीन में ठोकते हुए वहाँ पर आ गया। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर भाग खड़े हुए। और जैसे ही बगीचे का माली वहाँ पर आया, सारे बच्चे भागो भागो कहते हुए पेड़ों से उतरकर भाग खड़े हुए, भागने लगे। लेकिन नन्हे जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बता तेरे पिता के पास लेकर चलता। लेकिन चूंकि नन्हे के हाथ में गुलाब था और उसने जो है माली ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे डांट करके पूछा कि चोरी करता है, बता तेरा घर कहाँ है, मैं तुझे तेरे पिताजी के पास लेकर के चलता हूँ। इतना सुन करके नन्हे सहम गया। उसके मुंह से निकला अचानक ही नन्हे बोल पड़ा, मेरे पिताजी ही नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। क्या हुआ बच्चों कि नन्हे ने इतनी सरलता से, इतनी मासूमियत से अपने माली के प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरे पिताजी नहीं हैं। और उसका भोला चेहरा देखते ही, उसकी मासूम सी आवाज़ सुन करके ही माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया। जिनके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। और माली ने क्या कहा कि जिन दोस्तों के भरोसे
तुम यहाँ आए थे, जिन दोस्तों के साथ तुम यहाँ आए थे वे तो तुम्हें छोड़ कर के चले गए, तो ऐसे स्वार्थी ऐसे मतलबी दोस्त से तुम्हें क्या मतलब, जो संकट में यानी कि मुसीबत में अपने दोस्त को छोड़ कर के भाग जाएं, वे कैसे दोस्त होंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सके। बेटा ऐसे काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। बच्चे अच्छे बच्चे बनो, इस गुलाब की ही तरह अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। वाणी का कहने का तात्पर्य यह था कि जिस तरह फूल ने अपनी सुंदरता से अपने सौंदर्य से नन्हे को खुद आकर्षित किया था, माली ने उसी फूल का उदाहरण नन्हे को दिया कि तुम भी अपना व्यवहार अपना कर्म इस तरह से बनाओ कि लोग तुम्हारे गुणों से स्वतः आकर्षित हो, ना कि तुम इस तरह का अपना व्यवहार बनाओ कि लोग तुम्हें देख करके पसंद ना करें। नन्हे सिर झुकाकर माली की सब बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको सिर झुकाना पड़ता। उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश की बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उसने कभी कोई आँच नहीं आने दी। कि देश पर आँच नहीं आने दी मतलब क्या है कि अपने आन बान अपने कर्म से शास्त्री जी ने इस देश का गौरव सम्मान हमेशा बनाए रखा। बालक को कोई नहीं और ये बालक कोई और नहीं था, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इन्होंने अपनी सच्चाई ईमानदारी सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जिस देश में जिस साम्राज्य में जवान जो सिपाही होते हैं जो वो उनका सम्मान किया जाता है और जहाँ किसानों का सम्मान किया जाता है वो देश हमेशा जो है वो आगे बढ़ता है, विजेता बन के रहता है। तो बच्चों आप अपना व्यवहार अपना कर्तव्य इस तरह से रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति आपके तरह स्वतः आकर्षित हो, ना कि आपको किसी तरह का जो है कष्ट हो। धन्यवाद।